क्या संतान आती है पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में चार प्रकार का बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारियां व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। दो, शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुहखी रखकर खुश होगा। तीन, उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। चार, सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में न होगा। आप यह न समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन चार प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निःस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो धर्म पंच टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।